बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रजी वीज़ा एडवाइज़र्स यूट्यूब चैनल और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रजीउल हसन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल के थ्रू मेरा और आपका तल्लक बरकरार रह सके। आज मैं बात करने लगा हूँ कंबोडिया के विज़िट वीज़े के बारे में कि आप कंबोडिया का टूरिस्ट या बिज़नेस विज़िट वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रोसेसिंग टाइम क्या है और कंबोडिया की वीज़ा फ़ी क्या है और किस वेबसाइट पे आपने कंबोडिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है। आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है ताकि आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कंबोडिया ट्रैवल हिस्ट्री, टूरिज़्म और बिज़नेस के लिए बहुत अहम है। डेवलपिंग कंट्री है, बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। अगर आप अपने पासपोर्ट पे ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, टूरिज़्म करना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप कंबोडिया का इंतखाब करें। कंबोडिया का जो वीज़ा है वो आप अप्लाई कर सकते हैं ई वीज़ा, क्योंकि पाकिस्तान में कंबोडिया की एम्बेसी नहीं है। आपने पाकिस्तान से अगर कंबोडिया का वीज़ा हासिल करना है तो आपने ई वीज़ा अप्लाई करना है। ई वीज़ा जब भी आपने कभी भी किसी कंट्री का अप्लाई करना है तो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर करना है। जो कंबोडिया की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वो है evisa.gov.kh। अगर आप कंबोडिया का ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इस वेबसाइट पे अप्लाई करना है, इसके अलावा जितनी भी वेबसाइट हैं वो सब फेक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप स्टिकर वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो आप थाईलैंड या मलेशिया में जो एम्बेसी है कंबोडिया की, उधर से अपना स्टिकर वीज़ा भी लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आप कंबोडिया का ई वीज़ा पाकिस्तान में घर बैठे लगवाना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको चाहिए पासपोर्ट, एक पिक्चर वाइट बैकग्राउंड और होटल रेजर्वेशन। ये डॉक्यूमेंट हैं जो आपको कंपलसरी चाहिए तो आप कंबोडिया का टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसकी 36 यूएस डॉलर फीस है। इसके बाद अगर आप बिज़नेस वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, बिज़नेस मीटिंग के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए पासपोर्ट की कापी चाहिए, एक पिक्चर वाइट बैकग्राउंड, होटल रेजर्वेशन और इन्विटेशन लेटर। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है तो आप कंबोडिया का बिज़नेस वीज़ा हासिल कर सकते हैं। कंबोडिया वीज़े का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन 3 से 4 वर्किंग डेज़ है। 3 से 4 वर्किंग डेज़ में कंबोडिया का वीज़ा लग के आ जाता है। अब मैंने फ़ीस भी बता दी है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट भी बता दी है, प्रोसेसिंग टाइम भी बता दी है। फिर भी अगर आप कंबोडिया का ई वीज़ा हासिल करने में हेल्प लेना चाहते हैं तो आप ट्रैवल एजेंसी रब्ता करें, इंशाल्लाह विद इन टाइम आपको जवाब दिया जाएगा और आपको डोर स्टेप पे कंबोडिया का विज़िट वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम मज़ीद आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ बना सकें। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।